ठीक है, स्टार्ट करिए बजा सब। हमारा राजनीति विज्ञान या राजनीति सिद्धांत, इसका नाम टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। आज हम इसे राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसकी सारी बैकग्राउंड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कंसर्न्ड एक टॉपिक लेने लगा हूँ। हमारे संविधान में प्रीएम्बल है, एक प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में तीन चार शब्द जो हैं शुरुआत के, वो आते हैं। एक आता है लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। तो मैं आज लिबर्टी के बारे में बात करूंगा आपसे। लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रीडम। लिबर्टी का मीनिंग जो है वो कई दो दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। नेगेटिव में लिबर्टी का मतलब जो लेते हैं वो कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई भी सीमा ना हो। मैन शुड बी फ्री, देयर शुड बी नो लिमिटेशन ऑन ए मैन। और पॉजिटिव मीनिंग ये है कि प्रेजेंस ऑफ सर्टन जस्टिफाइड लिमिटेशंस, के कुछ उचित प्रतिबंध होने चाहिए। अब आज के जमाने में लिबर्टी का अर्थ जो है हम पॉजिटिव मीनिंग में लेते हैं। एब्सोल्यूट लिबर्टी जो है, जो एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। कोई भी प्रतिबंध ना हो तो फिर तो ये हो जाएगा, माइट इज राइट हो गई, कि मैं जो चाहूं मैं वो कर सकूं, जो चाहूं मैं वो बोल सकूं, मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे तो फिर माइट इज राइट वाली बात हो जाएगी। जो शक्तिशाली होंगे वो तो बोल लेंगे, वो तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कमजोर लोग जो हैं वो रह जाएंगे। इसलिए आज के जमाने में लिबर्टी को हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। पॉजिटिव सेंस का अर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेजेंस ऑफ सर्टन जस्टिफाइड लिमिटेशंस। अब जस्टिफाइड लिमिटेशंस क्या हैं? जस्टिफाइड लिमिटेशंस वो होती हैं, हेलो, जस्टिफाइड लिमिटेशंस वो होती हैं जो उचित प्रतिबंध हो। जैसे हम, हमारे संविधान द्वारा हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, छह मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार हमें कुछ अवस्थाएं देते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये एब्सल्यूट नहीं है। इनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमारे मन में आएगा वो बोलेंगे। बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात तो ये नैतिकता का लिमिटेशन है कि हम उचित बोलेंगे, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे समाज में बुरा असर पड़े। हम वही बोलेंगे जो डिसेंट हो, जो अच्छा हो, सुनने में अच्छा हो, समझने में अच्छा हो। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं जाना, किसी की विरुद्ध बोलना नहीं। तो इसलिए ये उचित जो बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, जो वो उचित प्रतिबंध का होना है। और एग्जाम्पल लीजिए आप, हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है, लिबर्टी टू मूव, कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन कहीं भी घूमने का अर्थ ये नहीं है कि हम
कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकते, जैसे मिलिट्री एरियाज हैं, मिलिट्री एरियाज में हमें जाने की मनाही है, परमिशन लेके जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपना राइट नहीं है कि हम जाएं, हमें रोक दिया जाएगा, हमें बैन कर दिया जाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो स्वतंत्रता है कहीं भी घूमने की। और एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे, मैं एक बड़ी सिंपल सी सीधी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हमारे देश में कुछ एक शिक्षा संस्थान जो लड़कों के लिए हैं, कुछ लड़कियों के लिए हैं, कुछ दोनों के लिए हैं, जिसको कोएड बोलते हैं। अब जो कोएड संस्थान है वहां तो लड़के लड़के जा सकते हैं, लेकिन जो संस्थान सिर्फ लड़कियों के लिए है उनमें लड़कों के जाने की मनाही होती है, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह बहुत सी एग्जाम्पल दी जा सकती है कि जब बोलने की स्वतंत्रता या घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, हमारा इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर स्टेट है हमारी, हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म की आलोचना करें, किसी दूसरे धर्म की आलोचना करने का अधिकार हमें नहीं है। हाँ, उचित आलोचना कर सकते हैं, हम अपने धर्म की अच्छाई बता सकते हैं और दूसरे धर्म की जो अच्छाई नहीं है, जो कमी है, वो जनता के सामने रख सकते हैं। तो इस तरह जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता है, हमें संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। हमारे देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर एक को काम का अधिकार दिया गया है, काम जिंदा रहने के लिए कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ एक सीमाएं रखी गई है। हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं तो नौकरी के घंटे निश्चित हैं, टाइम निश्चित है, संडे की छुट्टी दी जाएगी, दोपहर को खाने का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह हमें जिस काम के लिए रखा गया है वही काम करना होगा, कोई और काम हमारे से नहीं करवा सकते। और एग्जांपल लीजिए, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा साम्यवादी देशों की, जैसे चाइना है, रूस है, वहां पर संपत्ति का अधिकार है वहां पे, लेकिन एक आदमी संपत्ति अर्जित करने के लिए किसी और आदमी की सहायता नहीं ले सकता। हमारे इंडिया में हम फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री में दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके उनसे काम करवाते हैं, उनको हम उचित तनख्वाह देते हैं, लेकिन साम्यवादी देशों में जो कोई व्यक्ति पैसा लगाकर दूसरे व्यक्ति की लेबर करवा के पैसा नहीं कमा सकता, मनाही है उसमें। तो ये क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि हम किसी का शोषण ना कर सके। और एग्जांपल लीजिए, अब मैंने आपको बताया कि काम करने के घंटे निश्चित हैं, दिन निश्चित है, दोपहर का वक्त निश्चित है, उसके अलावा हमें उचित तनख्वाह दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, मेडिकल भी दिया जाता है, हमारे से कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जिससे हमारी सेहत पे बुरा असर पड़े, कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। काम का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी कंड्यूसिव होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, लाइट का प्रबंध होना चाहिए, हवा का इंतजाम होना चाहिए, स्वच्छ पानी का इंतजाम होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस हैं जिसके जिसके अनुसार हम काम करते हैं, हमें अधिकार है।
अगर वो कोई कमी रहती है तो हम उसके लिए सरकार से मांग कर सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने कुछ एक आपको एग्जांपल्स दी है, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, और ये पॉजिटिव सेंस में हम इसको लेते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं लेते। मैंने बात की आपसे साम्यवादी देशों की, वहां पर राइट टू वर्क भी है, राइट ड्यूटी टू वर्क भी है। जरा समझिए इसको, इसमें अंतर है। ड्यूटी टू वर्क कि वहां काम करना हमारा कर्तव्य भी है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो नहीं दी जाएंगी, वो बंद कर दी जाएंगी। नो राइट नो फूड। राइट है आपको काम करने का अधिकार दिया गया है, काम करिए, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार काम करो, और आपकी जो एबिलिटी है उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा, और आपकी ड्यूटी भी बन जाती है काम करने की। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने स्वतंत्रता की दी, लिबर्टी की दी। अब कुछ एक मैं ये कंडीशंस बताऊंगा जो लिबर्टी के लिए जरूरी है। सबसे पहले, एक देश का नागरिक जो होता है, नागरिक को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी राइट्स क्या है, मेरी राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, अधिकारों पर लगी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक आदर्श नागरिक बने सकता है, अन्यथा वो आदर्श नागरिक नहीं कहलाएगा। तो अब आदर्श नागरिक किसे कहेंगे हम? आदर्श नागरिक वो नागरिक होगा जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। एजुकेटेड का अर्थ ये नहीं कि किताबें पढ़ ली एजुकेटेड हो गए, मतलब जिसको नॉलेज है, अपनी पॉलिटिकल राइट्स की नॉलेज है, जिसको अपने राजनीतिक अधिकार आते हैं, पता है उनको, उसे ही वो हम कहेंगे कि वो आदर्श नागरिक है। इसके लिए पॉलिटिकल एजुकेशन होना बड़ा जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब हमारे साइंस के विद्यार्थी होते हैं, कॉमर्स के होते हैं और आर्ट्स के होते हैं। साइंस के विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, उनको पॉलिटिकल नॉलेज बहुत कम होती है। कॉमर्स के विद्यार्थी होते हैं, उनको कॉमर्स की नॉलेज होती है, उनको ना विज्ञान की होती है और ना ही राजनीति की होती है। फिर कुछ एक विद्वान आर्ट्स के होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना बड़ा जरूरी है, तभी हम एक आदर्श नागरिक बनेंगे, और तभी हमें पॉलिटिक्स की जानकारी होगी, तभी हम अच्छे आदर्श नागरिक बन सकेंगे। क्लियर? अब आइए, एक तो मैंने एग्जाम्पल दी एजुकेशन का होना जरूरी है। दूसरी हमारी क्वालिटी ये होती है कि गुड हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी सेहत होगी, हम हृष्ट पुष्ट होंगे तो हम शिक्षा भी अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे और अपने अधिकारों का उपयोग भी सही ढंग से कर सकेंगे, वरना हम ये अधिकारों का उपयोग करने में विफल रहेंगे। ये मैंने दूसरी बात की है। तीसरी बात ये है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति भी अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो ठीक ठीक होनी चाहिए, ताकि उस आर्थिक स्थिति का फायदा उठा के हम शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको पता है स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फीस देनी है, तो इसलिए ये आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ एक शर्तें हैं जो एक आदर्श नागरिक बनने के लिए जरूरी है, और तभी हम जब आदर्श नागरिक बनेंगे तभी हम अपने राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। अब स्वतंत्रता का
कई प्रकार की होती है, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीति के बारे में, जैसे हम राजनीति में भाग ले सकते हैं, जैसे आज प्रजातंत्र है, लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। अब हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है, हम वोट के अधिकार का उपभोग तभी कर सकेंगे यदि हम, हमारी नॉलेज है, हम अच्छा बुरा समझते हैं, अच्छे कैंडिडेट को हम वोट देंगे और उसे हम चुनाव में जिताएंगे और वो सरकार बनाएगा। तो पॉलिटिकल लिबर्टी बड़ी जरूरी है। दूसरी होती है सोशल इक्वेलिटी, सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए हमारे पास, समाज में हमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वी शुड बी इक्वल, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी होती है इसमें। जब हम राइट टू इक्वलिटी रखते हैं तो समाज, सरकार हमारे अंदर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, हमें एक तरह का समझा जाता है, एक तरह की अवसर दिए जाते हैं, उन अवसरों का फायदा उठाकर हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, कभी एक आर्थिक स्वतंत्रता भी है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि हमें काम धंधा करके पैसा कमाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर ये स्वतंत्रता होगी तो हम जिंदा रहने के लिए, रोटी कमाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करेंगे और हमें पैसा मिलेगा और उसका उपभोग करके हम अपनी सेहत भी ठीक बनाएंगे, शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। तो इसलिए ये आर्थिक समानता, स्वतंत्रता होनी जरूरी है। अब कई बार एक सवाल पूछा जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों का संबंध क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता तभी उसका फायदा होगा अगर हम आर्थिक तौर पे स्वतंत्र हैं। तो अगर हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक तौर पे हम काम नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी का, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं ले सकते, तो हम राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कैसे करेंगे? आज हमें कई तरह के राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, राइट टू वोट है, राइट टू सीट इलेक्शन है, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट है। ये सब हम तभी कर सकेंगे यदि हम इन का सही ढंग से उपभोग करते हैं। तो अगर हमें नॉलेज ही नहीं है वोट का प्रयोग कैसे करना है, हमें नॉलेज नहीं है कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है कि सरकार की नीतियां क्या है, सरकार कैसी नीतियां बना रही है, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम आदर्श नागरिक नहीं बनेंगे और हमारी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो केवल दिखावा मात्र रह जाएगी। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता ये साथ साथ चलती हैं, दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको हमारी हिस्ट्री से, इतिहास से। एक वक्त था जब भारत में प्रजातंत्र नहीं था, हम गुलाम थे, तो मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम रहे, हमें मुगलों ने कोई अधिकार नहीं दिए थे, मुगल तानाशाह थे, तानाशाही ढंग से शासन करते थे और वो जो उनके मन में आता था वही कानून बनाते थे, वैसे ही लागू करते थे और न्याय भी वो अपनी मर्जी से देते थे। ये ठीक है कि कुछ एक मुगल बादशाह अच्छे भी हुए हैं, जैसे औरंगजेब, सॉरी, जैसे अकबर की एग्जाम्पल हम देते हैं। अकबर ने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, मुसलमानों को, राजपूतों को, हिंदुओं को एक ही समान समझा और उसने अपने दरबार में
अपने राज्य में मंदिर भी बनाए, वहां जाके पाठ पूजा भी करता था। वो उसकी एक पत्नी थी जो राजपूत राजपूत घराने से संबंध रखती थी। लेकिन इसके उलट कुछ एक और भी बादशाह हुए हैं, जैसे हिंदू बादशाह हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से शासन किया। लेकिन सब कुछ हमारी स्वतंत्रता उनकी इच्छा पे निर्भर करती थी। हम अपनी मर्जी से स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते थे। अब दूसरी तरफ आइए, कुछ एक ऐसे भी रूलर हुए हैं, जैसे औरंगजेब था, अत्याचारी था, हिंदू और मुसलमानों में फर्क रखा उसने। वो गैर मुसलमानों को ये कहा करता था कि या तो मुसलमान बन जाओ, या मुसलमान बन जाओ, या जजिया दो। जजिया मीन एक रिलीजियस टैक्स लगा दिया उसने, रिलीजियस टैक्स दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये देखिए गलत है, ये बात सही नहीं है। किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उसने किया। उसने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराए, जजिया टैक्स भी लगाया। तो इसी तरह कुछ एक और भी ऐसे तानाशाह शासक हुए हैं। उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने जब शुरू शुरू में 1600 ईस्वी में कंपनी बनाई, और कंपनी बना के उन्होंने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून में भेज दिया और दीवानी अधिकार ले लिए, और एक दिन वो रूलर बन गए, भारत के ऊपर शासन करने लगे। शुरू शुरू में अंग्रेजों ने भी अत्याचारी ढंग से शासन किया, बड़े अत्याचार किए, हमारी स्वतंत्रता नहीं दी, समान नहीं समझा। तो अब क्या हो गया, एक अंग्रेजों ने गलती की। गलती ये की कि अंग्रेजों को यहाँ पर सस्ते दामों पर नौकर चाहिए थे, और सस्ते दामों पे नौकर मिल सकते थे इंडियन, यहाँ के लोकल। वो लंदन से वो लाए तो उनको तनख्वाह बड़ी देनी पड़ती थी, उनका खर्चा उठाना पड़ता था। तो उन्होंने हिंदुओं को, राजपूतों को अपने दरबार में नौकर रखा, अपने घर में नौकर रखा, और इसके लिए जरूरी था कि उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो हमारी बात समझ जाए। तो धीरे धीरे उनको अंग्रेजी सिखाई गई। वो अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ते थे, अंग्रेजी किताबें पढ़ते थे। तो हमारे भारतीय नौकर जो है वो उल्टी सीधी किताब पकड़ के देखते थे, उनके मन में आता था अभी ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इनको एक अंग्रेजी स्कूल बनाया गया, उसे इतनी एक नॉलेज दी गई कि वो गुड मॉर्निंग कह सके, यस नो का मीनिंग समझ सके, अब थोड़ा बहुत समझने लग गए। समझने लग गए तो इंडियंस में एक क्वालिटी है कि वो मेहनती बहुत है। उन्होंने मेहनत करके अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाया। बहुत से हमारे अच्छे लोग थे हिंदू लोग, उन्होंने बीए पास भी कर लिया, बीए पास करके आईएएस के इम्तिहान में भी बैठ गए, लेकिन उनको आईएएस नहीं बनाया गया। उनको ये कह दिया कि तेरे को तो घुड़सवारी नहीं आती, तू आईएएस नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी भाषा के आ जाने से भारतीयों को पता चला कि एक अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने आजादी प्राप्त कर ली, वो भी अंग्रेजों के अधीन था। उन्होंने अपना अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़के स्वतंत्र हो गए। इस बात का असर भारतीयों पर भी पड़ा कि अगर वो अस्वतंत्र हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। जागृति आ गई, भारतीयों में जागृति आनी शुरू हो गई। एक तो ये हो गया, दूसरा आने जाने के साधन, इन्होंने ट्रेन चलाई, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लग गए लोग, टेलीफोन बना दिए,
एक जगह से दूसरी जगह की खबरें आने लग गई। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जिनकी वजह से भारतीयों में पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई, राजनैतिक जागृति आ गई और वो आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो गए। फिर क्या हुआ, कुछ एक नेता ऐसे आ गए, आगे सामने आए, उन्होंने संगठन बनाया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। अब ये मांग करने लगे अधिकारों की कि हमें भी कुछ अधिकार होने चाहिए। ये मैं बता रहा हूं कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे स्वतंत्रता की मांग हुई। तो उसके लिए आंदोलन चलाए गए, एजिटेशनें की गई, गांधी जी जेल में जाते रहे, गांधी जी के अलावा और भी बड़े, नेहरू जी थे, इसके अलावा कुछ मुसलमान नेता भी थे, नेशनलिस्ट थे, वो भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे। और धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार मजबूर हो गई कि कुछ एक कंसेशन दिए जाए इंडियंस को। तो सबसे पहले 1773 ईस्वी में मजबूर होकर अंग्रेजों ने एक एक्ट दिया हमें, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कुछ थोड़ी सी कंसेशन दिए इंडियंस को, लेकिन जो थोड़ा मिलता रहा उससे हम भारतीय संतुष्ट नहीं हुए और मांग करते रहे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, फिर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। 1832 का एक्ट आ गया, 1909 का एक्ट आ गया, 1919 का एक्ट आ गया, 1935 का एक्ट आ गया। तो ये है एक एक मूवमेंट चली हम ज्यादा से ज्यादा कंसेशन लेने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने लगे। गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इन सब का परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय लोगों को जितना दबाया गया इनमें जागृति बढ़ती गई, आती गई, और ये और ज्यादा अधिकारों की मांग करने लगे। और अंत में हम देखते हैं, बड़ी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, कोई डिटेल नहीं बताई मैंने, ये फ्रीडम मूवमेंट जो कैसे चली शॉर्ट में बताई मैंने, मोटी मोटी बातें बताई। और अंत में मजबूर होकर अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत छोड़ गए। अब भारत छोड़ने से पहले एक समस्या ये आ गई, अंग्रेजों ने भारतीयों को ये कहा कि तुम कैसे चलाओगे, शासन कैसे चलाओगे। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, इनके पास संविधान नहीं है, संविधान बनाना है। तो भारतीयों ने संविधान बनाने का काम शुरू किया। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा के साथ एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, 7 आदमियों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बड़े विद्वान लोग थे, इन्होंने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अच्छी अच्छी बातें अपना कर इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ड्राफ्ट ड्राफ्ट का मतलब होता है मोटा सा संविधान बना दिया कि हमारा संविधान किन चीजों पर बेस करेगा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया, उसको पास किया गया और हमारा संविधान बन गया। अब ये कि इनको आइडियाज कहाँ से आए, आइडिया सबसे पहले आए 1935 के एक्ट से, कि लास्ट एक्ट जो लास्ट संविधान जो अंग्रेजों ने बनाया जिसके अनुसार उन्होंने भारतीयों पर शासन किया वो था 1935 का एक्ट। बड़ा डिटेल था, बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन उसमें कोई अधिकार नहीं थे, कोई अधिकार नहीं दिए गए थे उसमें। बस ये था कि कैसे सरकार चलानी है, कौन चलाएगा,
ये बातें की गई। फिर इन्होंने कई देशों के संविधान पढ़े, इंग्लैंड का संविधान पढ़ा, अमेरिका का संविधान पढ़ा, कनाडा का संविधान पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ा। जो बातें जिस संविधान से अच्छी लगी वो अपना ली, तो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान जो बना, कई लोग कहते हैं कि ये उधार ली हुई वस्तुओं का फैला है, कि इसमें किसी से कुछ उधार ले लिया, किसी से कुछ उधार ले लिया। ठीक है, बात दिया हमने, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हमारे संविधान बनाने में पड़ा वो था 1935 का एक्ट, और अमेरिकन संविधान, अमेरिका का संविधान और इंग्लैंड का संविधान। 1935 का एक्ट का असर इसलिए पड़ा क्योंकि 1935 का एक्ट हमारे ऊपर लागू था। इंग्लैंड के संविधान का असर इसलिए हमारे पर पड़ा क्योंकि सदियों तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे, और अमेरिका के संविधान का असर हमारे ऊपर इसलिए पड़ा कि ये माना जाता था कि अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे आदर्श संविधान है, और एक बड़ा समझ बूझ के साथ बनाया गया। और एक खास बात इसमें ये थी कि बिल ऑफ राइट्स था इसमें, बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का एक चैप्टर था, 10 अधिकार दिए गए नागरिकों को। तो इससे बड़े हम लोग प्रभावित हुए, हमारे संविधान बनाने वाले प्रभावित हुए, तो इसलिए इन्होंने भी जब अपना संविधान बनाया तो संविधान में पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कई भाग हैं, इस संविधान में एक भाग जो है, तीसरा भाग, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। उसके द्वारा हमें 7 अधिकार दिए गए। लेकिन अगर आप की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अधिकार हमें दिए गए वो अमेरिका के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से अलग थे। अधिकार तो वही थे लेकिन उतनी डिटेल्ड नहीं दिए गए जैसे अमेरिका ने दिए थे। हमें अधिकार तो दिए गए लेकिन उसके ऊपर सीमाएं लगा दी गई, लिमिटेशंस लगा दी गई। इसीलिए तो आज लोग कहते हैं कि भारत का संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से अधिकार वापस ले लेता है। हमें बोलने का अधिकार है लेकिन इसके ऊपर सीमाएं लगी हैं। अब मान लो आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा वो बोलते रहो, आपके ऊपर सीमाएं हैं। आपके बोलने से अगर पड़ोसियों को कोई डिस्टरबेंस होती है तो आपको रोका जा सकता है, आपको मनाही है इस चीज की। तो इस तरह ये एक तो हमने मौलिक अधिकारों का चैप्टर नकल किया, दूसरा हमने जो नकल किया वो था सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका ने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, सर्वोच्च न्यायालय बनाया, और उसको इतनी ज्यादा शक्तियां दी गई कि उसकी शक्तियों को देखकर वहां पर ये कहा जाता था कि इन अमेरिका द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। बड़ा शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, आधे घंटे में आप पढ़ सकते हो कि अमेरिका में एक संविधान है, लेकिन संविधान वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो अधिकार बन जाए, वो संविधान बन जाएगा। तो हमारे देश में भी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तुलना में बहुत कमजोर है, उतना ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय शक्तिशाली है, अंतिम शक्ति है संविधान की व्याख्या करने की, लेकिन इसके ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। ये एक सवाल अलग है कि कितनी व्याख्या की जा सकती है, कितनी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये एक अलग है, ये अलग सवाल है, आपके सेक्टर में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको ये छोड़ता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह हमारे देश में ये अधिकार, लिबर्टी, कैसे
का अर्थ क्या है, लिबर्टी के फॉर्म्स क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, लिबर्टी के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या हैं, और लिबर्टी हमें कैसे मिली, ये कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस की। अब एक टॉपिक जो और है, आज नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको, इक्वेलिटी, समानता। समानता का अर्थ ये है कि हम सब समान हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है नागरिकों में। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या समानता, जब समानता का जो एक ये भी नेगेटिव पॉजिटिव अर्थ है, एक अर्थ ये लिया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, कि मैं एक काम करता हूं, एक और भी व्यक्ति है वो भी काम करता है, हमारा दोनों का वेतन एक जैसा होगा? नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं, हमारे हमें वेतन हमारी जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो शिक्षा है, आधार पर किया जाता है, हमारी हमारा पद जो है, हमारी जो पोस्ट है, हमें हमारी क्वालिफिकेशंस के अनुसार ही दी जाती है। तो अब ये सवाल खड़ा हुआ कि एक तरफ तो हम कहते हैं स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ हम का बात कर लेते हैं समानता की, क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? स्ट्रिक्ट सेंस में ले तो चलना मुश्किल है, लेकिन हम इसको ब्रॉड सेंस में लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अर्थ एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस नहीं लेते हम, कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का ना होना नहीं है, कुछ उचित प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। उसी तरह समानता का अर्थ जो है, समानता का अर्थ नैरो सेंस में हम नहीं लेंगे, समानता का अर्थ हम ब्रॉड सेंस में लेंगे कि हमें हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही काम मिलेगा और उसके अनुसार ही हमें शिक्षा, हमारी शिक्षा के अनुसार ही हमें वेतन दिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो समानता का होगा। अब आप, मैंने आपको बड़ी शॉर्ट में जो ये टॉपिक है, 3 4 दिन का टॉपिक था, मैं बड़े शॉर्ट में आपके सामने डिस्कस किया, मेरे ख्याल में आपको समझ चल गई होगी, आपको समझ चल गई होगी। अगर कोई समझना चाहिए, हेलो हेलो हेलो, समझ बोलिए। हाँ जी, समझ चली कुछ? हेलो, हाँ जी, बिल्कुल, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ 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 जी, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं जी, समझ आ गया। समझ आ गया, अच्छी तरह आ गया। चलो चलो बेटा, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेलिटी की बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू जी।